Hello friends, in last videos we have discussed about the application of steady flow energy equation in four practical devices like nozzle, diffuser, turbine, compressor and pumps. Okay? So in these devices the application of SFEE we have discussed. In this video we will discuss about the application of it in remaining devices like boiler, evaporator. Okay, so only application part we will discuss. We will not discuss about boiler, we will not discuss about evaporator, condenser, these devices we will not discuss. Here in thermodynamics, we will discuss about the application of this SFE only here. Okay, so as you can see here, first we will discuss about the definition part, ki boiler ka kaam kya hota hai. Okay, so what the application of boiler is, what the function of boiler is, kya kaam hota hai, definition part hum dekhte hain abhi. ठीक है, बॉयलर के बारे में, और केवल एसएफईई को ही अप्लाई करेंगे हम यहाँ. ठीक है, डिवाइस के स्टडी नहीं करेंगे. तो देखिए, दीज आर बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स. ओके, दे ऑपरेट एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, जो हम वीसीआरएस साइकिल्स में बेसिकली इवोपरेटर को देखेंगे. ठीक है, जब आरएसी पढ़ते हैं तो वहाँ वीसीआरएस साइकिल में इवोपरेटर का डिस्कशन होता है. जब रैंकाइन साइकिल में हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ बॉयलर के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं. तो बॉयलर बेसिकली ऑपरेट कैसे करेगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऑपरेट करेगा. ठीक है, और वहाँ जो हमारा प्राइमरी टारगेट है कि वी आर सप्लाइंग हीट टू द वर्किंग फ्लूइड, और वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो बॉयलर में बेसिकली हम वर्किंग फ्लूइड को हीट सप्लाई करते हैं. ठीक है, और इवोपरेटर और बॉयलर बेसिकली इवोपरेटर में भी हम वर्किंग फ्लूइड को हीट सप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हम दोनों डिवाइसेज बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स हैं. ओके, और क्या काम करते हैं, दे अब्जॉर्ब हीट, हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग फ्लूइड. ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर. तो बॉयलर और इवोपरेटर में जो वर्किंग फ्लूइड होगा दैट विल अब्जॉर्ब हीट. ओके, वी आर गोइंग टू सप्लाई हीट टू द वर्किंग फ्लूइड, दैट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब, एंड इफ इट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज. ओके, और जो ये प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इट इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. Now, so this is the basic definition of boiler and evaporator. Okay, now we will apply SFEE here. Okay, now let's discuss about what are the assumptions we are taking. The kinetic energy and potential energy changes are neglected, the changes are zero. I am assuming that there is no work interaction as these are a heat exchangers. So the W is basically zero, there is no work produced in these devices. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर्स हैं. अब यहाँ जब हम SFEE को अप्लाई करेंगे, हियर H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस Q दैट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क. ओके, सो दिस इज द बेसिक SFEE इक्वेशन. ओके, अब यहाँ हम अजम्पशंस लिखते हैं. ठीक है, देखिए इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस जी इंटू जेड टू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए जो अजम्पशंस हम ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ. देखिए, आई हैव नेग्लेक्टेड द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, नो वर्क प्रोड्यूस्ड हियर. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड. ओके, देखिए यहाँ बॉयलर है और इवोपरेटर है, यहाँ हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट इज एडेड टू द सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि हम हीट को प्लस लिखेंगे क्योंकि वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम. ओके, सो द वैल्यू ऑफ क्यू टू द बॉयलर और इवोपरेटर दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी दैट इज H2 - H1. ओके, सो बेस्ड अपॉन द अजम्पशंस वी हैव डिराइव्ड दैट हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग फ्लूइड इन अ बॉयलर और इवोपरेटर, और आई कैन से कि हीट सप्लाइड टू द बॉयलर और इवोपरेटर दैट विल बी इक्वल टू H2 - H1. दिस इज विद अवर अजम्पशंस दैट कि वी आर नेग्लेक्टिंग काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस एंड देयर इज नो वर्क प्रोड्यूस्ड. ओके, एज इट इज अ हीट एक्सचेंजर. सो हमने अभी जो डिस्कशन किया है दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉयलर एंड इवोपरेटर. अवर नेक्स्ट डिवाइस इज बेसिकली कंडेंसर. So in condenser that is reverse of basically evaporator, as in evaporator the working fluid is going to absorb the heat. Okay, but in condenser the working fluid is going to reject heat. Okay, तो यहाँ पर देखिए कंडेंसर में
अगेन इट इज अ हीट एक्सचेंजर ओके एंड हीट इज रिजेक्टेड बाय द वर्किंग फ्लूइड. यहाँ जो मेन फंक्शन है कि हीट रिजेक्ट होगा बाय द वर्किंग फ्लूइड एंड द कंडेंसर इज ऑपरेट्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके तो ये भी अगेन जब वी सी आर साइकिल में डिटेल से डिस्कशन होता है, यहाँ हमारा टारगेट केवल एस एफ ई को अप्लाई करना है. तो बेसिकली बता देता हूँ कि जो वर्किंग फ्लूइड होगा दैट विल रिजेक्ट हीट. ओके अब हीट रिजेक्ट करेगा वर्किंग फ्लूइड तो उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, मतलब उसका या तो स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम वेपर टू लिक्विड या फिर वो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है. ठीक है तो वर्किंग फ्लूइड बेसिकली इट विल कूल डाउन, इधर इट विल चेंज इट्स स्टेट और इधर इट विल डिक्रीज इट्स टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्ट कर रहा है कंडेंसर. ओके तो कंडेंसर का काम है कि वर्किंग फ्लूइड का हीट रिजेक्ट करके बाहर भेजना. ठीक है एंड इट ऑपरेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अब जब हम इसमें एस एफ ई को अप्लाई करते हैं तो देखिए आई कैन राइट डाउन एस एफ ई एच एच वन प्लस सी वन स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस जी इंटू जेड वन प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस जी इंटू जेड टू प्लस डब्ल्यू. ये हमारे पास एस एफ ई इक्वेशन है कि जितना एनर्जी इनलेट पे एंटर कर रहा है उतना ही एनर्जी लिविंग फ्रॉम द सिस्टम. तो स्टेडी फ्लो हम डेफिनेशन को बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं. तो जब हम इसमें अजम्पशंस देखते हैं कि कंडेंसर है तो कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नहीं होगा, हीट एक्सचेंजर है कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जो अजम्पशंस है कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड, दे आर जीरो. और जो वर्क है, वर्क इंटरेक्शन, देर इज नो वर्क इंटरेक्शन. तो जब हमने इन अजम्पशंस को इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आता है. अब देखिए यहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर बेसिकली. तो जब हीट रिजेक्ट होगा तो हम यहाँ प्लस क्यू नहीं लिख सकते हैं. ओके क्योंकि हीट रिजेक्ट होगा तो हम माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लिखा है वो क्या है कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम, वो प्लस होता है, हीट रिजेक्ट होता है तो माइनस होता है. तो जब इस इक्वेशन को मैं विद साइन कन्वेंशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एच वन माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू एच टू. ओके तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा कंडेंसर से, तो वो कितना आ जाएगा, क्यू इज बेसिकली इक्वल टू एच वन माइनस एच टू. तो अब जो हमारे पास ये क्यू का वैल्यू आएगा ये हमें बता रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट कंडेंसर से रिजेक्ट होगा. ओके कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड. माइनस क्यू क्यों लिखा, क्योंकि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड. हीट ऐड करते सिस्टम में तो पॉजिटिव लिखते हैं, रिजेक्ट होता है तो नेगेटिव लिखते हैं, इसलिए यहाँ रिजेक्ट हुआ है तो हमने नेगेटिव लिखा है. और जब हमने नेगेटिव लिखा तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से रिजेक्ट होगा. तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन देयर एंथैल्पीज. तो यहाँ पे हमने विद अजम्पशंस हमने निकाला है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड रिजल्ट. और ये कब वैलिड है, जब ये अजम्पशंस गिवन होंगी. यदि इसमें से कुछ भी अजम्पशंस वायलेट हो जाती है तो हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को नहीं लगाएंगे. तो जो भी डेटा गिवन है फिर प्रॉब्लम हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे. अब हम अगला डिवाइस पे आ जाते हैं, थ्रॉटलिंग के बारे में. लेट्स डिस्कस अबाउट थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग इज बेसिकली, देखिए यहाँ पे जो आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस होता है ये भी अगेन हम थ्रॉटलिंग डिवाइसेस के बारे में वीसीआरएस साइकिल में पढ़ेंगे. वीसीआरएस साइकिल में जो एक्सपेंशन प्रोसेस होगा दैट इज बेसिकली विद अ थ्रॉटलिंग डिवाइस. तो जो थ्रॉटलिंग डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, क्या डेफिनेशन होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो देखिए द फ्लो थ्रू ए रिस्ट्रिक्टेड पैसेज ओके और पार्शियली ओपन वॉल्व इज नॉन एज थ्रॉटलिंग. जहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से फ्लो होगा या फिर पार्शियली ओपन वॉल्व से फ्लो होगा, जहाँ भी हम फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो दैट फ्लो बेसिकली थ्रू सच टाइप ऑफ डिवाइस इज नॉन एज थ्रॉटलिंग. ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से जो फ्लो होता है ओके दैट इज थ्रॉटलिंग. अब यहाँ पे जो अजम्पशंस हम लेंगे बेसिकली इस प्रोसेस में, जो भी अब वी सी आर एस साइकिल में जो एक्सपेंशन के लिए हम जो यूज करते हैं दैट वी यूज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस ओके. तो अब यहाँ पे देखिए वी आर नेग्लेक्टिंग द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस ओके.
अब ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ये हम कैपिलरी ट्यूब में भी करवा सकते हैं। ओके, अब देखिए कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लो होगा दैट इज थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। ओके, दैट्स अ ट्यूब ऑफ वेरी वेरी लेस डायमीटर। ठीक है, तो जो फ्लो होगा दैट इज बेसिकली थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड पैसेज, सो दैट इज बेसिकली द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब उसमें देखिए क्या होता है, जो अजम्पशंस हम लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन BCRS साइकिल में RSA में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ केवल इसका SFEE का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ओनली इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे। तो जो अजम्पशंस हमने लिया है कि हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लेक्ट करेंगे, देर इज नो वर्क प्रोड्यूस्ड। ओके, कोई भी वर्क नहीं, सॉफ्ट वर्क नहीं प्रोड्यूस होता है, देर इज नो हीट इंटरेक्शन बेसिकली। ओके, द हीट इंटरेक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब वॉल जो है दैट आर वेल इंसुलेटेड। ठीक है, तो हीट लॉसेस आर जीरो। तो जब हम इस SFE को अप्लाई करेंगे, देखिए H1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट, दिस इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड पे एग्जिट सेक्शन पे जो भी एनर्जीज हैं, H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 लिख सकता हूँ, प्लस G इंटू Z1 लिखता हूँ प्लस Q, दिस इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W। ठीक है, अब देखिए कुछ भी हमने वर्क प्रोड्यूस नहीं किया है, कुछ भी हीट लॉस नहीं है, कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस भी नहीं है, तो बेसिकली क्या हुआ कि इंथैल्पीज आर एग्जैक्टली इक्वल, कि देर इज नो चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग अ प्रोसेस, कि मतलब कि इनलेट सेक्शन पे और एग्जिट सेक्शन पे वर्किंग फ्लूड का इंथैल्पी चेंज हुआ ही नहीं। और इंथैल्पी जो होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज यू प्लस पी वी, U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो इसलिए जब इंथैल्पी सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए इस लाइन में इट इज़ आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस। ओके, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज बेसिकली एन आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस। ओके, थ्रॉटलिंग डिवाइस कहाँ लगे होते हैं, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इन VCRS साइकिल वी यूज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस। ठीक है, यदि आपका जो डिवाइस है ये उसमें थ्रॉटलिंग डिवाइस है तो इंथैल्पी सेम रहेगा। अब यदि आप वर्किंग फ्लूड आइडियल गैस ले रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग योर वर्किंग फ्लूड टू बी एन आइडियल गैस, तो आपको बिल्कुल पता है कि इन केस ऑफ आइडियल गैस, जैसा हमने डिस्कस किया है कि फॉर आइडियल गैसेस इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फॉर आइडियल गैसेज इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप आइडियल गैस लेते हो तो ड्यूरिंग योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ तो इंथैल्पी को लिख सकता हूँ U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो जब हमने जो थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज किया है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस इन VCRS साइकिल, तो देखिए यहाँ पे U1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, आइडियल गैस है ना, तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा V2 इज ग्रेटर देन V1, तो बेसिकली P2 क्या हो जाएगा, लेस देन P1। तो ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस देयर इज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर। तो इस लाइन में देखिए ये थ्रॉटलिंग ऑलवेज